हेलो, माय नेम इज़ रेतन दत्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय होम जिम सेटअप। तो जिम्स बंद होने के कारण मैंने घर पे काफ़ी सारा सामान खरीदा है, तो आई मीन इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस जिम फ्रीक्स टू वर्कआउट, क्योंकि कुछ सामान जिम्स तो कितने लास्ट 2-3 महीने से बंद है और आने वाले टाइम में भी बंद होंगे, खुलेंगे नहीं, कब खुलेंगे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया। तो इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट एंड ऑनेस्टली फॉर पीपल लाइक अस द जिम इज़ द ओनली एस्केप फ्रॉम द बैड स्टफ हैपनिंग इन लाइफ। सो एनी वे मैंने कुछ सामान खरीदा है एंड आई वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो क्या क्या खरीदा है मैंने, सो दैट यू गाइज नो वट टू बाय। यू डोंट हैव टू बाय एवरी थिंग दैट आई से, क्योंकि आई काइंड ऑफ वेंट ओवरबोर्ड। दिस वीडियो इज जस्ट देयर टू लेट यू गाइज नो आप क्या क्या खरीद सकते हैं। मैं ऑप्शंस बताऊंगा क्या अच्छा हुआ आपके लिए, क्या खराब हुआ आपके लिए। आई एम गोइंग टू लेट यू नो वट बेयर मिनिमम यू गाइज शुड गेट, सो दैट आपका गेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा और आप स्ट्रेंथ अपना मेंटेन कर पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो डाउन स्टेयर्स वेयर आवर होम जिम इज। हेलो, तो बेसिकली मेरे पास दो रूम्स है जिम सेटअप के, एक ये वाला रूम और एक ये वाला रूम। इसमें मेरे पास एक होम जिम और एक ट्रेडमिल है, और इस रूम में मेरे पास बेंच रैक डंबल्स प्लेट्स और एक बारबेल है। एक्चुअली दो है, ये इजी बार बार है। आई नीड एन इजी बार बिकॉज माई आई ब्रोक माई लेफ्ट हैंड, डिसलोकेट हो गया था व्हेन आई वाज स्मॉल एंड आई कैंट ट्विस्ट माई लेफ्ट हैंड, यहाँ तक ही जा सकता है, यहाँ जाने से दर्द होता है। सो इजी बार से मैं ऐसे ऐसे ग्रिप करके भी कर्ल कर सकता हूँ, बारबेल के साथ मुश्किल है। सो एनी वे लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट द वन इक्विपमेंट यू शुड डेफिनेटली गेट एंड दैट इज दी बारबेल। ये बारबेल 20 किलो का है, 7 फीट। सो इसको नीचे आके देख। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बारबेल इज द फैक्ट दैट यहाँ पे जो नर्लिंग है, ये नर्लिंग बहुत सही है, बिकॉज मैंने दूसरी बारबेल जब ली थी उसकी नर्लिंग अच्छी नहीं थी। पहला जो बारबेल लिया था मैंने, दिस वॉज नॉट, ये 30 मिलीमीटर्स का इसका डायमीटर है, ये लंबा रोड का। यूजली 30 एटलीस्ट फॉर मेल्स दिस शुड बी 30, फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन दिस शुड बी 25। द फर्स्ट बार दैट आई गॉट इट वॉज 25 mm। आई डिड नॉट नो कि वो सही नहीं था, इसलिए मुझे सहना पड़ा। एंड देन वो पहला रॉड एक्सचेंज करके दूसरा लाया जो कि जिसका नर्लिंग बहुत खराब था, तो आई वॉज एबल टू बेंच प्रॉपरली, हाथ से स्लिप हो रहा था एंड मैं काफी हैवी उठाता हूँ, सो दैट्स एक्चुअली इंजुरियस। सो मैंने ये थर्ड लिया विच इज ऑफ 1000 रुपीज। इसका जो बॉल बेयरिंग है, एज यू कैन सी, अगर हैवी वेट भी उठाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं स्नैचेस कर रहा हूँ, स्नैच या क्लीन्स मान लो, क्लीन्स जब करता हूँ, क्लीन्स बेसिकली वन यू लिफ्ट बारबेल अप इन द एयर एंड यू कैच इट, अगर यहाँ पे रोटेशन होता है, बस यहीं पे रोटेट हो जाता है, यहां तक नहीं आता। अगर आपके पास बॉल बेयरिंग नहीं है, इसका रोटेशन इस रॉड तक ट्रांसफर हो जाएगा एंड देन आपको जब बारबेल आप जब पकड़ेंगे, उस टॉर्क का ऑपोजिट एंड इक्वल टॉर्क आपको डालना होगा एंड देन इट माइट बी इंजुरियस फॉर यू। सो गेट अ गुड बारबेल, ये मुझे 8000 का पड़ा। आई नो 2-3 हजार का भी आता है बारबेल, लेकिन उसमें वो ये सब चीजें नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ व्हाइल इन्वेस्टिंग गेट गुड स्टफ, बिकॉज आप एक बारबेल लेंगे, दिस इज गोइंग टू लास्ट योर लाइफ टाइम, सो मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड वन। बॉल बेयरिंग होना चाहिए, 7 फीट का बारबेल होना चाहिए, नर्लिंग शुड बी गुड एंड दिस शुड बी एटलीस्ट 28 to 27 to 30, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एक्सरसाइज, लेकिन फॉर मी 30 इज मोर देन इनफ। ये जो आप वेट्स देख रहे हैं, आई हैव 2.5 किलोज, 5 किलोज, 10 किलोज एंड 20 किलोज, ये सारा ये बस बेंच डिकैथलॉन का है, और ये रैक और जितने भी मेरे पास बैंड्स है, रेसन बैंड्स, वो सब डिकैथलॉन्स है। लेस ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम अ लोकल शॉप एंड अभी तो ओनर के साथ मेरा बन गया है, तो वो थोड़ा सस्ते में भी दे देता है मुझे, तो ये सब उसी से लिया था। द प्लेट्स आई गॉट देम फॉर अराउंड 130 to 140 पर किलो, सो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यूजली उतने भी मिलता है 130-140 किलो। एंड ये डंबल्स मुझे अराउंड 180 पर किलो मिला। डंबल्स आर एक्सपेंसिव, सो मेरे पास जो डंबल्स है, आई थिंक यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा, एनीवे यहाँ पे 2 20 के है, टू ये 2 7.5 के है। दिस इज गुड बिकॉज ये ट्राइंगुलर है, इफ इट्स ट्राइंगुलर
ये डंबल में ऐसे रख के पुशअप्स कर सकता हूँ, नीचे तक जा सकता हूँ. सो डज एन एडेड क्या बोलूँ, एडेड बेनिफिट. 20 बिकॉज आर्नोल्ड प्रेस, फिर एक्चुअली आर्नोल्ड प्रेस, चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस, जितने भी प्रेसेस हैं यूजुअली मैं 20 से करता हूँ. एंड 7.5 यू नो बाइसेप ट्राइसेप वो सब के लिए. आई मीन 12.5 ले सकता था मैं, लेकिन 7.5 से मैं ज्यादा रेप्स कर सकता हूँ. 12.5 से अराउंड लेट्स से 10-12 रेप्स होंगे, इससे मोर देन 20 रेप्स गुड फॉर हाइपरट्रॉफी. एंड प्लस मेरा भाई भी करता है, ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मी, सो फॉर हिम दिस वेट सफाइसेस परफेक्टली. ये 5 और 2.5 मेनली मेरे डैड यूज करते हैं. और अभी चलिए आते हैं ये रैक पे. सो ये मुझे अराउंड 15 GB पड़ा था, एज मच एज एज फार एज आई रिमेम्बर. ये सब आइटम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. दिस इज नॉट अ वेरी पावरफुल रैक बिकॉज ये जो लॉक है ये देखिए, दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली हेल्ड बाय दिस. दिस इज अ थिंग व्हिच होल्ड्स दैट हैवी वेट. इसका लिमिट भी दिया हुआ है 175 किलो. आई थिंक देख लाइट नहीं है ज्यादा, कैमरा खराब है. एनी वे दिस इज इट. ये रॉड कब टूटेगी पता नहीं, तो बिकॉज ये मैंने तब लिया था जब एकदम सॉरी मैं मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है. आई थिंक आई शुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई थिंक आई मस्ट बी स्वेटिंग बॉल्स. एनी वे ये मैंने तब लिया था जब लॉकडाउन बस शुरू होने से पहले, जस्ट मैं बैंगलोर से गुवाहाटी आया था. एंड देन आई वाज लाइक लॉकडाउन एक दो दिन में देयर वर रूमर्स कि लॉकडाउन होने वाला है. एंड देन आई वाज लाइक फक आई नीड टू बाय सम थिंग्स. आई बॉट दिस रैक, आई बॉट अ डंबल, आई बॉट अ बारबेल जो बाद रिटर्न किया एनीवे. एंड आई बॉट दिस बेंच एंड आई थिंक 10 किलो के एक दो प्लेट्स होंगे, उसी से मैं कर रहा था टिल वी कुड यू नो स्लोली स्लोली गेट दिस होल थिंग गोइंग ऑन. So this is the weight room. So anyway, what's special about this machine is यहाँ पे मैं सारे cable और like popular जितने भी cable और machine वाले exercises यहाँ में कर सकता हूँ. So let's say मैं मुझे back के exercises करना है. यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 grips है. You can kind of adjust. अगर let's say आपको upper back hit करना है, आप थोड़ा upper पकड़ेंगे ताकि अपर पे हिट हो रहा है. आई थिंक अगर श्रेडर ज्यादा होता तो दिख. अगर आपको लैट्स हिट करना है आप सीट को ऊपर कर सकते हैं. सीट को एडजस्ट किया, देखिए लैट्स हिट हो रहा है. अगर आपको बेंच प्रेस करना है आप बैठिए मस्त प्रेस कीजिए. और अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही इसका काम है, you're dead wrong. क्योंकि इससे आप लैट पुल डाउन भी कर सकते हैं. ये यहाँ पे लगाया, वाइड ग्रिप लिया मस्त. एंड द थिंग अबाउट दिस बार इज दिस मशीन इज काफी स्मूथ है. जो पहला मशीन था इससे पहले जो मैंने लिया था एकदम स्मूथ नहीं था, मूवमेंट वॉज वे ऑफ, बहुत खराब था. एंड दिस एक्चुअली फील्स लाइक यूर डूइंग अ मशीन इन द जिम. केबल अटैचमेंट यहाँ एक है, और ये दोनों केबल क्रॉसओवर. इसका क्या स्पेशलिटी है यार, केबल के सारे मूवमेंट्स कर सकते हो. यहाँ पे देखो मैं केबल क्रॉसओवर कर रहा हूं. यहाँ पे देखो मैं अब बाइसेप कर रहा हूं. आपको फ्लाइज करना है, आप मस्त बैठ के फ्लाइज कीजिए. आपको अपर चेस्ट के लिए लोअर टू अपर फ्लाइज करना है, कर सकते हैं. आपको शोल्डर प्रेस करना है, आप कर सकते हैं. द पॉसिबिलिटीज एंडलेस. ओ हाँ, एक चीज आपको दिखाई नहीं, आपको लेग एक्सटेंशन करना है. सीट को आगे कीजिए, बूम बैठिए एंड वॉच दिस मैजिक.
आप बोल रहे होंगे आप क्वाड्स के लिए अच्छा हैमस्ट्रिंग के लिए करना है। I'm sorry, हैमस्ट्रिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। सो इस मशीन में सब कुछ है, लिटरली सब कुछ है, इसलिए मशीन अच्छा है। मुझे ये मशीन 1,20,000 का पड़ा, सो इट्स नॉट चीप, इट्स रियली एक्सपेंसिव। एंड एज आई सेड द गुड थिंग अबाउट दिस मशीन इज इट लिटरली फील्स लाइक अ मशीन आई एम डूइंग फ्रॉम द जिम। अगर आपके पास ये है आप लिटरली केबल के सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लस एक्सरसाइज लाइक लैट पुल डाउन, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, केबल क्रॉसओवर, ये सब सारे जितने भी एक्सरसाइजेस आप सब कर सकते हैं इसमें। बट इफ यू वांट माय ओपिनियन, माय ऑनेस्ट ओपिनियन, आई फील दिस इज नॉट व्हाट यू शुड गेट। व्हाट यू शुड गेट सब इसी रूम में आपको जो भी जरूरत होगी एवर इन योर फिटनेस करियर, सब इस रूम में। एक्सेप्ट दैट द ब्रेड एंड बटर ऑफ वेट लिफ्टिंग इज अ बारबेल। बारबेल के साथ आप जो कर सकते हैं वो बेसिकली, बारबेल के साथ क्या होता है, सॉरी मैं कैमरा पे देख के बताता हूँ। बारबेल के साथ क्या होता है, जब आप बारबेल से के साथ मूवमेंट्स करते हैं बेसिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से कोई, ये तो पहली बात हो गई, लेट्स से आप डेडलिफ्ट, लेट्स से आप स्क्वाट थोड़ा वाइड स्टैंस लेते हैं, कोई और वाइड स्टैंस उतना नहीं लेता। लेट्स से आप बेंच में एंग शोल्डर थोड़ा वाइड लेते हैं, कोई और वाइड नहीं लेता। Let's say आप ज्यादा आर्च करते हैं, कोई ज्यादा आर्च नहीं करता। You're getting my point. The point is everyone's bodies are different. And with a barbell, you can kind of adjust the parameters. Machine के साथ सब fixed है। Machine जैसे move करता है आपको वैसे move करना होगा। अगर आपका pattern, अगर आपका body वैसा movement allow नहीं करता, over and over some period of time, there might be injuries, जो barbell के साथ नहीं होता। That's why barbell is far superior. And if you're like me, if you really miss going to the gym, if the gym was everything to you, trust me, it was everything for me at one point of life. Mere grades kharab the, mere sab kharab the, lekin gym was the only good thing that was going on, and this gym literally has been like the best thing ever for my life. So bread and butter of fitness, I mean weightlifting, it's a barbell. Get this barbell, get a barbell, I mean get a barbell. Don't get the, for me, I won't recommend you to get those 2K, 3K वाला barbell. अभी तो जिम्स खुलने नहीं वाले, अब उस पर एक्सरसाइज करते रहेंगे फिर आपको रियलाइज होगा ये तो खराब है, इसका तो यू नो नर्लिंग अच्छा नहीं है, मैं इसको बेंच कर नहीं पा रहा हूँ, इसका तो ये अच्छा नहीं है, मैं जब फ्रंट स्क्वाट करता हूँ, जब नीचे तक आता हूँ, अगर आपका वेट रोटेट हो जाता है, आप रोटेट हो कैसे गिर जाएंगे, ये सब इंजरीज होने के चांसेस हैं। लेट्स व्हाई एक अच्छा barbell लीजिए, 8,000 में अच्छा मिल जाएगा, barbell हो गया आपका। देन थोड़ा बहुत वेट्स लेंगे, वेट्स में आपका एनीवेयर बिटवीन 10,000 to 20,000 लग जाएगा अगर आप ढंग की लिफ्ट करते हो, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो हो गया, फिर एक रैक लीजिए ऐसा, ये मेरा 15K में मिल गया था मुझे, और एक बेंच लीजिए, ये मुझे 2-3K में मिल गया था। आपको एटलीस्ट यू विल हैव टू स्पेंड, दैट्स अ थिंग। हम लोग आजकल फ़ोन वोन ये सब में बहुत पैसे हुए, आई मीन खर्च करते हैं, जिनके लिए दिस हैज बीन अ डिजास्टर। सो the logical thing according to me is to get something. वो home gym लेने की ज़रूरत नहीं है, that's too expensive. If you can afford it, fine. If you don't, if you can't, I don't think you should. Barbell, थोड़े से dumbbells, weights, bench और rack, that's enough. You can get the most out of it, you can keep on maintaining your strength. Hypertrophy भी अगर कम होती है वो ठीक हो जाएगी once gyms open, अपना मशीन केबल सब कर लेना, नहीं तो अब के लिए एटलीस्ट अपना स्ट्रेंथ मेंटेन कर लेना। टेक अ बारबेल एंड आई फील दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। सो एनीवेज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस जिम टूर। आई नो इट इज़ इन मच, कैमरा ठीक नहीं है, कुछ है नहीं मेरे पास, जब यूट्यूब का सेटअप, नया यूट्यूब शुरू किया है। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ यू गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द बटन, लाइक द बटन के लाइक बटन है उस पर दबाइए। एंड आई थिंक बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, वो ऑन करना, बिकॉज आई बी पोस्टिंग सम रियली गुड कॉन्टेंट जो इंडियन यूट्यूब स्फीयर में है नहीं। दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस होम जिम सेटअप जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन में सब प्राइसेस लिस्टेड है, अगर आपको मिलता नहीं है वहाँ पे कमेंट डाउन कीजिए, आई गेट टू, आई मेक श्योर आई रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स। ओके, सी यू, बाय बाय।